गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जखनिया आके मैंने गलती कर दिया, और क्योंकि वो स्तूपा गिर चुका है और मेरा आना वेस्ट हो गया। लेकिन इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा, और एक पास ही में एक जगह मिली है। ये मौनी बाबा का आश्रम है, धाम है कि मठ है, जो भी है, काफ़ी खूबसूरत है। और अभी अंदर गया था मैं, मंदिर के दर्शन किया। और इधर ये एक पॉन्ड है, और इसके चारों तरफ एक जंगल टाइप पेड़ है, सारे जंगल टाइप पूरा लग रहा है। अभी इस जंगल के अंदर चल रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और देखता हूँ अंदर क्या है। शांति है यार इधर, और सिर्फ चिड़ियों के चहकने की ही आवाज़ें आ रही हैं। और मैं साइबेरिया के जंगल में काफ़ी खूबसूरत है, क्रॉस ट्रीज हैं यहाँ पे, एक के बाद एक के बाद एक, अच्छा लग रहा है। और इधर ये पानी, इंटरेस्टिंग। इधर जंगल, और वहाँ पे एक रास्ता है, बीच में ये जंगल है, और लेफ्ट में ये है एक पानी। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लगता है ना कभी अकेले कहीं भी निकल जाना, कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे पेड़ हो, पानी हो, और कोई ना हो, सिर्फ आप हो। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सोलो ट्रैवलिंग। आई लव सोलो ट्रैवलिंग रियली। सोलो ट्रैवलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको खुद से रूबरू होने का मौका मिलता है, और आप कुछ प्लान कर रहे हो तो उसको और बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हो, और आपको एक टाइम मिलता है खुद के लिए। आप आज की लाइफ काफ़ी बिजी है, और सबको पैसे की पड़ी है, सबको काम की पड़ी है, और इसके चक्कर में आप खुद को नहीं टाइम दे पाते हो कभी। तो मेरी मानो तो कभी छुट्टियों में निकल जाओ कहीं भी, सोलो ट्रैवलिंग, ज़्यादा दूर नहीं तो कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में तो जा ही सकते हो आराम से। और आजकल सबके पास कुछ ना बाइक होती ही होती। बाकी कैसे ट्रैवल करना है बजट में, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। और यही है, चारों तरफ जंगल। अभी इस वाले पार्ट में चलते हैं, पीछे वाला पार्ट तो बीत गया। इस वाले छोटे से जंगल में कोई जानवर तो नहीं दिख रहा है, बस एक ये गाय माता यहाँ पे दिख रही हैं यहाँ पे, और पूरा सन्नाटा ही है। फोटोग्राफी के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है ये, यहाँ पानी का और यहाँ जंगल का। यहाँ पे हूँ मैं अभी, और वहाँ पे मंदिर है, वहीं पे मैंने अपनी स्कूटी भी पार्क की है। दिख नहीं रही है मुझे। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला जगह, मौनी बाबा का आश्रम। और ये वहीं पे है जहाँ पे मैं जा रहा था, ब्रिटिश स्तूपा के पास मैं जा रहा था, तो उससे पहले ही लगभग 100 मीटर पहले ये पड़ा। तो मुझे, मैं जब वहाँ रोड से क्रॉस हो रहा था तभी मैंने इसको देखा, वहीं से मैंने देख के इसको फीलिंग आ रही थी यूरोप वाली, चारों तरफ से जंगल और बीच में ये पानी, काफ़ी बढ़िया है। और ये समवॉट इसकी तरह लग रहा है, शिवाटिका की तरह। और अगर आपने शिवाटिका वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में गाजीपुर सीरीज की लिंक मिलेगी, वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ये रास्ता वहीं लेके जा रहा है मंदिर पे, चलते हैं सीधे वहीं पे। अब कुछ बचा ही नहीं है, उधर सारे खेत हैं पीछे, और उधर रोड है, और सामने ये मंदिर है। अभी निकलते हैं यार यहाँ से, और चलते हैं दुल्लापुर, वहाँ पे मुगल कोट, अपना नेक्स्ट पड़ाव जो है आज का वो है। और अगर
टाइम होता तो काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे बैठता, बट मुझे नेक्स्ट पड़ाव पे जाना है, उसके बाद फिर घर भी तो जाना है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊँगा। फिर कभी मिलेंगे यहाँ पे, फिर आएंगे कभी, ज़रूर आएंगे। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे ये वाली जगह, और जितनी भी जगह हैं मैं गया हूँ उनमें से काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और आप लोग भी जाओ यार घूमने के लिए, जिन जगहों पे दिखा रहा हूँ मैं। ऐसे ही चुपचाप बैठ के वीडियो देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, जाओ खुद अपनी आँखों से देखो, उसको फील करो, एक्सप्लोर करो। अपना शहर तो आपको एक्सप्लोर करना ही चाहिए यार, दूर नहीं जा सकते हो तो 30 किलोमीटर के दायरे में तो जा ही सकते हो आप। मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे जो भी फील करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, और हो सकता है कि वीडियो में वो जगह काफ़ी अच्छी ना लगती हो, लेकिन जब आप सामने से आके खुद अपनी आँखों से देखोगे तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी, आई एम डैम श्योर। भाई साहब, मैंने बताया था आपको कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो लोकल से ज़रूर पूछते रहना कि कौन सा रास्ता जाएगा और कितनी दूर है अभी। तो मैं वहाँ जखनिया आ गया था आगे, और रास्ता पीछे से ही था लेकिन आगे से भी एक था, तो मैंने फिर वो दूर पड़ा मुझे, अगर मैं पहले ही मुड़ गया होता वहाँ से तो जल्दी आ गया होता। तो ये मेरी सजेशन है आप लोगों से कि कहीं भी आप ट्रैवल करने जाते हो तो लोकल पीपल से ज़रूर पूछते रहना, उनको शॉर्टेस्ट रास्ता पता होता है, गूगल को भी पता होता है लेकिन वो कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देता है आप लोगों को, तो इस वजह से आप लोग लोकल से पूछा करो, ठीक है। तो यही है पीछे ये आश्रम मौनी बाबा का, और ये कैंपस है, इधर से मैं जा रहा था तो मैंने देखा इसको, तो मैं सोचा कि एक्सप्लोर कर लेता हूँ। यहाँ पे स्कूटी पार्क किया था मैंने, और अभी निकलते हैं दुल्लपुर के लिए, और मिलते हैं आपको वहीं पे।